क्या बोरियत है, कुछ नहीं कर रहे। देख देख 12 लाइक्स आ गए। अरे ये कौन है अरुज 1 2 3 4। अबे होगी कोई फैन अपनी। अरे अरे इमली आ रहा है, चला तफरी। अबे दफा कर। अरे उठ उठ, दबा रहा था। अरे आ लेना, आ जा आ जा आ जा आ जा। ओए ओए ओए, ये क्या बदतमीजी है, बता दूं? अबे रहने दे यार, डॉक्टर खुद बताएगा। चल चल चल। ओए 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 ओए, क्या बताना है तुम लोगों ने, बताओ मुझे क्या बात है। चाचा इमली, तूने शुगर का टेस्ट कराया था? इमली, ओ मुझे इमली क्या था? ओ तू खुद इमली, तेरा बाप इमली, तेरा चाचा इमली, तेरा पूरा खानदान इमली। ओए गुठली के मुंह वाले, बता मुझे क्या बात है। अरे चाचा काब की बात तो सुन लो, तुमने शुगर का टेस्ट कराया था या नहीं? हाँ कराया था, तुझे क्यों बताऊं, तू मामा लगता है। चाचा इमली, तुम्हारी शुगर के टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, तुम्हारी शुगर को कैंसर हो गया। कैंसर? मैंने कहा था ना, ना बता। हाय, अब बेचारा मर जाएगा, एक महीना बस। एक महीना? अरे चाचा इमली, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, मैं मोहल्ले वालों को बता दूं, ताकि फिर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जो भी पूरी करना चाहे, सौ बिस्मिल्ला। महीने के बाद मर जाऊंगा। अरे यार सलीम, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये मरने के बाद कैसा लगेगा, ये तो अभी भी मरा हुआ लगता है ना। अरे चाचा वो भी बहुत है तुम्हारे लिए, एक महीना, अपनी हालत तो देखो तुम। फिक्र मत करो, जहाँ कहोगे वहाँ कवर बुक करा देंगे। बहुत गौर कर रहे थे दोस्त है। फ्रेंड्स फॉरएवर। मैं मजूंगा, मैं मजूंगा। चलो जाओ, खुदा हाफिज़। क्या लगा? एक महीने बाद मैं मजूंगा। क्या लग रहा है? बाय इंडी, टेक केयर, टेक केयर, स्टे स्पाइस। एक महीने में मर जाऊंगा। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? वो जो मैंने टेस्ट कराया ना, उसमें मेरी शुगर को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि मैं एक महीने में मर जाऊंगा। कैंसर? शुगर को कैंसर? वो मैंने शुगर का टेस्ट कराया था ना, उसमें निकला कि मेरी शुगर को कैंसर है। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं, कौन सा टेस्ट, कब कराया आपने, मुझे क्यों नहीं बताया, किस डॉक्टर ने कहा है आपको ये? मैंने तो टेस्ट कराया ही नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे अब्बा, कब कराया आपने टेस्ट? पिछले महीने जो कराया था उसमें तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई थी, अब क्या हुआ? हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब मैंने टेस्ट कराया ही नहीं है तो फिर मेरी शुगर को कैंसर कैसे हो सकता है? तो फिर ये जो दोनों लफंगे हैं ना, इन्होंने फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं सारे रास्ते रोता हूँ कि मेरे पास मेरी बेटी का क्या होगा। बहुत करते हैं आप भी, उन दो आवारा ने बोला और आपने मान ली। ये जो राशिद है ना, वो इसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन ये जो सलीम है ना, इस सलीम के बच्चे को मैंने नहीं छोड़ना। मैं इसके बाप के पास जाऊंगा, उसे पूछूंगा कि औलाद को ऐसी तबीयत दी जाती है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी हमसे, जब देखो हमारी जिंदगी अजाब करते रहते हैं। दुश्मनी क्या होनी है बेटा, हमारे ना कोई आगे है ना पीछे है, ना हम पैसे वाले हैं, इसीलिए तो हमारा तबा लगाते फिरते हैं ये दोनों। कोई बात नहीं अम्मा, एक दिन अपना दिन भी आएगा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करे आए इंशाल्लाह। छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा।